अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई एम मेकिंग पम्पकिन हलवा। हमारे पास है वन पम्पकिन। फर्स्ट आई नीड टू कट द पम्पकिन। पम्पकिन को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसका वेट है 1 kg। 1 kg ऑफ पम्पकिन, 2 cups ऑफ शुगर, 1 cup ऑफ ऑयल, 1.5 cup ऑफ होम मेड पनीर चीज, 2 dots of saffron. How to make? I'm going to tell you. पहले हमने वॉक रखी हम स्टोव पे, इसका स्टोव जो ना हीट हमने स्लो कर ली। I'm going to add oil. और इसमें अब हम डालेंगे पम्पकिन। इसको स्लो आंच पे स्टीम करना है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। पहले हमने 10 मिनट्स के लिए स्टीम किया, जब ये सॉफ्ट हो गया तो फिर इसके पीसेस हमने कर लिए इस तरह करके, तो पीसेस कर लिए। तो अब इसको हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ऑयल नज़र आ रहा है, इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें हम शुगर डालेंगे, 2 cups ऑफ शुगर। आप चाहें तो इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। आखिर में हम जायफरन डालेंगे। इसको हम फ्राई करते रहेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। थोड़ा सा हम अपना स्टोव ऑन करते हैं, हाई करते हैं, आग हमने हाई की थोड़ी सी। आफ्टर 15 मिनट्स अब हम इसको मैश करेंगे। ये छोटे छोटे चंक्स नजर आ रहे हैं, इन चंक्स को हम मैश करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये आपको पसंद है तो इसी तरह रहने दें, इसमें पनीर डाल दें और फिर जायफरान। इसमें हम 1.5 cup होममेड पनीर चीज ऐड करेंगे। हम इसमें 2 drops ऑफ जायफरान डाल रहे हैं और इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। तेज से चमचा हिलाना है क्योंकि नीचे से बर्न होने का डर होता है। तो इसको तकरीबन 20-25 मिनट और लगेंगे इसको ड्राई होने में। आप चेहरे से डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी आपके पास फ्रूट्स हैं उनके साथ डेकोरेट कर सकते हैं। हमने चेरीज भी लगाई हैं, चेरी के बाद हमने ये रेजन्स लगा रहे हैं खूबसूरती के लिए।